गुड इवनिंग क्लास, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ एएमएस एकेडमी। और आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी एनडीए सीडीएस एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सीरीज। और आज मैं आप सभी के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें इसरो, डीआरडीओ, अदर स्पेस एजेंसीज, कई और सबमिट्स आपकी कवर करके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। और आज इस सेशन को और शॉर्ट रखते हुए हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स पे डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत डिटेल में साथ साथ आपको बता दूंगा। कल के क्लासेस की तरह थोड़ा सा इसको लंबा नहीं करेंगे, शॉर्ट रखने की कोशिश करेंगे। और तभी तक के लिए सभी को गुड इवनिंग, और जल्दी से अपने दोस्तों को बोले कनेक्ट हो जाए, और हमें आज ये इंपॉर्टेंट सेशन कवर करना है। ज्यादा टाइम हम नहीं लगाएंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसरो, डीआरडीओ, हॉल या जितनी भी आपकी एजेंसीज हैं उनसे रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज डिस्कस किया जाएगा। सो विद इन अ मिनट आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, प्लीज कनेक्ट शॉर्टली। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन, और हम क्वेश्चन आंसर बेस्ड सीरीज को रखेंगे, शॉर्ट इसको रखने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट इंपॉर्टेंट साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन से बार मेरे, एक यूनिकॉर्न नाम का, एक यूनिकॉर्न नाम से आपका एक नाम रखा गया है एक बॉडी का, जो हमें मिली है, डिस्कवर हमने की है स्पेस के अंदर, विच इज 1500 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ, जो कि आपका 1500 लाइट ईयर अर्थ से दूर है। इतनी दूर एक बॉडी मिली है, वो किसका नाम रखा गया है, कौन सी बॉडी जिसका नाम यूनिकॉर्न रखा गया। सो बच्चों याद रखना, यूनिकॉर्न एक ब्लैक होल का नाम रखा गया है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनिकॉर्न नाम से जो नामकरण किया गया है ये एक ब्लैक होल का नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ साथ। By what name is the full moon on April 26th of this year called? यानी 26 अप्रैल को जो पूरा मून हुआ था, कंप्लीट चांद निकला था, इस मून का नाम क्या रखा गया? So इसको हमने पिंक मून कहा है, गुलाबी चांद आपका कहा है, ये आपको याद रखना है, साइंटिफिक नेम है और ये कई बार आपसे पेपर में पूछा जाता है। सो जो फुल मून 26 अप्रैल को हुआ इसी साल 2022 में, दैट इज कंसिडर्ड एज आपका क्या, पिंक मून उसको माना गया है, ये आपको याद रखना है, मतलब लास्ट ईयर 2021 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। अगला देखिए साथ साथ, विच कंट्री लॉन्च्ड NEO-01 रोबोट, यानी एक रोबोट लॉन्च किया है जिसका नाम है NEO-01, विच एम्स टू रिमूव स्पेस डर्बीज। स्पेस डर्बीज का क्या मतलब है? डर्बीज का मतलब होता है, या स्पेस की डर्बीज का मतलब होता है, जो स्पेस अंतरिक्ष में पाए जाने वाले कचरा होता है, जो कचरा होता है आपका स्पेस में आपको मिलेगा, दैट इज कंसिडर्ड एज डर्बी, ठीक है। प्लस इसमें एक चीज और याद रखिएगा, जो आपका ये स्पेस का डर्बी या कचरा बनता है ये कैसे, तो जो हमारी स्पेस शटल्स जाती हैं, यानी अंतरिक्ष में जितने भी हमने यान भेजे या कोई सैटेलाइट भेजी, जो बाद में टूट गई किसी वजह से, उनमें ब्लास्ट हो गया, तो वो कचरा बन के पूरे आपके स्पेस में घूमती है, और उसको रिमूव करने के लिए NEO-01 नाम से एक रोबोट प्रिपेयर किया गया है, ये आपका चाइना कंट्री ने प्रिपेयर किया है, इसको आपको याद रखना है। एक बच्चे ने पूछा है सर 2022 में इंडिया की जीडीपी क्या होगी, तो देखो आपका IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अकॉर्डिंग जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है वो 9.5% इस बार मानी गई है, अज्यूम की गई है IMF की तरफ से, ये आपको नंबर याद रखना है, 9.5% कंसिडर किया गया है। अगर हम बात करें आखिरी तीन महीने के, यानी आपका अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर मंथ में, तो हमारी जो जीडीपी आईएमएफ की तरफ से मानी गई थी वो 9% मानी गई थी, ये आपको याद रखना है। बट नेक्स्ट ईयर 2022 के लिए हमारी जीडीपी 9.5 मानी गई है। अगर हम बात करें इंडियन गवर्नमेंट की, तो इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से हमारी जीडीपी हमने 9.1 कंसीडर की है, ये हमारे इस साल के बजट में बोला गया है। आई होप ये बच्चे को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। तो चाइना ने एक रोबोट बनाया NEO-01, जो स्पेस के कचरे को, यानी स्पेस डर्बीज को रिमूव करने के काम आएगा।
नाउ चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। नासा की तरफ से एक पार्कर सोलर प्रोब डिटेक्ट किया गया है, ए नेचुरल रेडियो सिग्नल इन द एटमॉस्फेयर ऑफ विच प्लैनेट। ये कहा गया है कि नासा की तरफ से एक नेचुरल रेडियो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है किसी स्पेस के अंदर, वो कहाँ पे है, कौन से प्लैनेट पर है। तो देखना, वीनस जो ग्रह आपका होता है, वीनस प्लैनेट के ऊपर एक ऐसी रेडियो वेव्स जा रही थी जिसको नासा ने डिटेक्ट किया और ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसका नाम क्या रखा है, पार्कर सोलर प्रोब। ठीक है, अगला देखिए, एक ये डिजीज से रिलेटेड है, आपका बायो से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी आपका बन जाता है। लंपी स्किन डिजीज जिसको LSD भी बोला जाता है, विच कॉजेज अ प्रोलॉन्ग्ड क्या है मॉर्बिडिटी इन कैटल्स एंड बफेलोज इज अ डिजीज। यानी ये पूछा गया है कि किस प्रकार की बीमारी है या किस प्रकार के जीवाणु से फैलती है। तो याद रखना, दिस इज अ वायरल, LSD, लंपी स्किन डिजीज इज अ वायरल। और इसमें बच्चों क्या होता है, जो आपकी गाय या भैंस होती है उनके शरीर पर आपके मोटे मोटे दाने पड़ जाते हैं, जैसे ह्यूमन इंसान के ऊपर आपका माता निकल आती है जिसको हम चिकन पॉक्स बोलते हैं, इसी तरीके से गाय के ऊपर ये आपके मोटे मोटे दाने पड़ जाते हैं। इसको LSD या लंपी स्किन डिजीज कहा जाता है एंड इट इज एन वायरल। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट बायो से रिलेटेड क्वेश्चन है। नाउ लेट अस स्विच टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नासाज ऑसिरिस RX, ऑसिरिस RX नाम से इन्होंने एक स्पेस क्राफ्ट बनाया है जिसने सैंपल्स कलेक्ट किए हैं किसी एस्ट्रॉइड के ऊपर से, यानी कोई एस्ट्रॉइड आपका घूम रहा था स्पेस में, उसमें से कुछ सैंपल लेके आया है इनका एक रॉकेट जिसका नाम ऑसिरिस RX है। और ये कहाँ से, तो बैनू नाम का एक एस्ट्रॉइड है जहां से नासा ने कुछ सैंपल्स कलेक्ट किए हैं। ये एक इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बन जाता है। बच्चे ने पूछा सर किस सब्जेक्ट की क्लास है, तो ये आपकी करंट अफेयर्स की क्लास है जो आपके एग्जाम्स NDA CDS के एग्जाम्स को ध्यान रखते हुए प्रिपेयर की गई है, जो आप सभी के लिए फायदेमंद रहेगी। तो ये करंट अफेयर्स की आपकी क्लास है जिसमें हम आज फोकस कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसरो, DRDO और बाकी स्पेस एजेंसीज को हम कवर कर रहे हैं। अगला देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआईटी रोपड़ जो आपका पंजाब में है, आईआईटी रोपड़स न्यू मोबाइल क्रीमेशन सिस्टम वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इन्होंने एक मोबाइल सिस्टम बनाया है, ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो विक स्टॉव नाम के प्रिंसिपल पर ये काम करता है। आईआईटी हम बात कर रहे हैं, रोपड़ पंजाब वाली ने इसने ये विकसित किया है, विक के ऊपर आपका ये काम करता है, विक स्टॉव। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन देखिए, ऑक्नियोस एक्सप्लोरर विच इज सेट फॉर द डीप सी एक्सप्लोरेशन इज अ पार्ट ऑफ मिशन ऑफ विच कंट्री। भाई ये पूछा गया है आपका कि ये ऑक्सेनोस एक्सप्लोरर, एक्सप्लोरर होता है किसी चीज को ढूंढना, खोज करना किसी चीज की, ठीक है, एक्सप्लोर करना। तो ऑक्सेनोस एक्सप्लोरर जो है इसने समुद्र की खोज करने के लिए आपका एक मिशन भेजा गया है जिसमें हम समुद्र की गहराई में जाएंगे और अलग अलग नई तरह की रिसर्च करने की कोशिश करेंगे। तो किस देश ने ये मिशन भेजा है, तो याद रखना बच्चों, ये USA अमेरिका की तरफ से शेयर किया गया या भेजा गया मिशन है, आपको याद रखना है, समुद्र की गहराइयों में जांच पड़ताल करने के लिए। ऐसे ही मूव करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द चिप ऑफ टेक्निक दैट हैज बीन डेवलप्ड रिसेंटली, डाटा रिट्रीवल। बेसिकली क्या चीज है समझिए, ये चिप ऑफ टेक्निक क्या है, इसको रिसेंटली डेवलप किया गया था कुछ इंजीनियर्स की तरफ से, और इसमें क्या था कि आपके फोन में, आपके लैपटॉप्स में, कंप्यूटर्स में आपका डाटा कभी भी डिलीट हो जाता है, तो डिलीट हुआ डाटा रिकवर नहीं किया जा सकता, ये बहुत बड़ी समस्या है अगर हम उसका बैकअप नहीं बनाते हैं। इस केस में जो ये चिप ऑफ टेक्निक है, इसमें बिना किसी चिप के आप डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं, वापस उसको स्टोर कर सकते हैं। तो डाटा रिवाइवल के, रिट्रीवल के लिए बेसिकली ये आपका प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, ये आपको याद रखना है। नमस्कार सभी को, अब जल्दी से एक बार आगे के क्वेश्चंस और देख लेते हैं, फिर आपके काम की चीज है, स्पेशली इनको एग्जाम्स जिनका नियर बाय है वो बच्चे जरूर इस क्लास को देखें। अगला देखिए भाई, इंडियाज फर्स्ट कार्ट टी सेल नाम से एक थेरेपी हमने शुरू की है, विच वॉज डन रिसेंटली इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ विच एलिमेंट। भाई ये किस बीमारी की ट्रीटमेंट में कार्ट टी सेल नाम की थेरेपी आपकी इस्तेमाल होती है, तो भाई कैंसर की ट्रीटमेंट के केस में इंडिया की तरफ से डेवलप की गई कार्ट टी सेल नाम की एक टेक्निक हम यूज करेंगे, आगे कैंसर का इलाज इससे किया जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये सभी को पता है कि कैंसर का इलाज जरूर संभव है, बट एक स्टेज के बाद उसको क्योर नहीं किया जा सकता, ठीक नहीं किया जा सकता। तो ये एक अच्छी इन्वेंशन की गई है बीमारी को दूर करने के लिए।
अब चलिए देखते हैं आज हमारा, देखो 10 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, थोड़ा सा चलते हैं, एक आगे का इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे। चलो मैं तुम्हें यही बता देता हूं, देखो आज आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं इसरो के बारे में। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आई होप सबको ये बात पता है, ठीक है। ये आपकी कब बनी थी, अगर थोड़ा सा फॉर्मली ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो ये भाई आपकी बनी थी 15 अगस्त 1969 को आपकी बनाई थी। विक्रम साराभाई जो थे इसके फाउंडर थे, और इन्होंने पहली आपकी सैटेलाइट भेजी थी आर्या भट्टा नाम से। आर्यभट्ट नाम से आपकी पहली सैटेलाइट 1975 में इनके द्वारा भेजी गई थी। ये सतीश धवन जी ने भेजी थी, जिनके नाम पर एक स्पेस पोर्ट है आपका श्रीहरिकोटा में। श्रीहरिकोटा से ये अपनी सारी सैटेलाइट और रॉकेट लॉन्च करते हैं। ये कहां पे है आपका, आंध्र प्रदेश में, और इसका नाम है सतीश धवन, सतीश धवन स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर, इनके नाम पे ही आपको पूछा जा सकता है। अब इसरो से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन आ जाएगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर आपको पड़ेगा बेंगलुरु, बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर है। साथ साथ क्वेश्चन पूछा जाए इसके चेयरमैन कौन है, तो इसके चेयरमैन अभी बदले हैं, जिनका नाम है आपका एस सोमनाथ। एस सोमनाथ आपके चेयरमैन है, इनसे पहले जो थे वो के सिवान नाम के पर्सन थे जो इसके चेयरमैन थे, अब वो आपके रिटायरमेंट ले चुके हैं, एस सोमनाथ आपके नए चेयरमैन हैं। ये तो है वो क्वेश्चन जो कभी भी इसरो से पुराने टाइम से पूछे जा सकते हैं या आने वाले टाइम में पूछे जा सकते हैं। अब थोड़ा सा इनकी इन्वेंशन भी देखेंगे हम, ठीक है। अब आ जाओ वापस से हमारी क्वेश्चन की सीरीज में, बीच बीच में मैं आपको थोड़े से ऐसे क्वेश्चन कराता रहूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार, काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा भाई। अ रिसेंट स्टडी विच यूज्ड मॉस्किटो इन्फेक्टेड विद वोलबैची बैक्टीरिया, एक मॉस्किटो मच्छर लिया जिसको वोलबैची बैक्टीरिया के साथ हमने क्या किया, उसको डिजीज कर दिया, उसकी स्टडी की गई, और हमें पता चला कि भाई इससे हमें क्या पता चला कि जो आपका फाउंड टू कट द स्प्रेड ऑफ विच डिजीज, ये किस बीमारी को फैलाने के काम आता है, तो भाई डेंगू बीमारी को फैलाने के लिए हमें पता चला कि मच्छर के अंदर वोलबैचिया डिजीज ये बैक्टीरिया मिलता है। वोलबैचिया बैक्टीरिया जो है ये डेंगू फैलाने के काम आता है, ये बैक्टीरिया डेंगू फैलाता है, ये आपको याद रखना है। और ये स्टडी से हमें बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, अगर डेंगू इसी वजह से फैलता है तो इसकी रिगार्डिंग फ्यूचर में बहुत सी मेडिसिन वैक्सीन आपकी बन जाएंगी जो आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगी, ठीक है। एक बच्चे ने कहा सर डार्क कलर यूज कीजिए, ओके अगर आपको डार्क कलर चाहिए तो मैं कोशिश करता हूँ, मुझे साथ साथ बता देना अगर आपको सही दिखे तो। एक बार मुझे बताएं जल्दी से कमेंट बॉक्स में, क्या ये थीम पे आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है, क्या अब आपको अच्छे से साफ सुथरे तरीके से दिखाई दे रहा है, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ और फिर हम कंटिन्यू करते हैं, जल्दी से एक बार रिप्लाई दो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट 2022 के एग्जाम्स के हिसाब से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, उनको थोड़ा सा कवर करना है, ज्यादा लंबी सीरीज नहीं है, मे बी 15 मिनट्स और आपका लेक्चर चलेगा, इसके बाद खत्म हो जाएगा, बट इसमें 30 से 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं लेके आया हूँ, थोड़ा सा उसको ध्यान से देखना और जल्दी से मुझे बताओ क्या आपको अब साफ साफ दिखाई दे रहा है, या मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूं 1 सेकेंड। बताओ जल्दी से, यस सर दिखाई दे रहा है। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमने देखा कि भाई डेंगू नाम की बीमारी के लिए आपका वोलबैची बैक्टीरिया ये है, इसकी वजह से ये फैलता है। अब थोड़ा सा इससे आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं, 12th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोवी फाइंड भाई, एक आपकी किट बनाई गई है कोवी फाइंड नाम से, इट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च ICMR जिसको बोलते हैं, इन्होंने इसको अप्रूवल दे दिया। तो ये पूछा गया है कोवी फाइंड नाम की जो आपकी किट है ये किसके टेस्टिंग के काम आती है, तो ये रैपिड एंटीजन टेस्ट करती है, यानी कोविड के काम में आएगी। ओमिक्रॉन जो आपका वायरस है, ओमिक्रॉन उसको डिटेक्ट करने के लिए ये काफी स्पीड में टेस्ट करती है, और इसका नाम है कोवी फाइंड, ठीक है। ये कोरोना वायरस फाइंड आउट करने के लिए आपकी किट बनाई गई है। अगला क्वेश्चन इसी के साथ देखिए। OMS टेक्नोलॉजी विच वॉज मेकिंग न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड, ये पूछा गया है भाई ये OMS टेक्नोलॉजी ये किससे संबंधित है, तो
तो ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करने से संबंधित आपकी ओएमएस टेक्नोलॉजी है। ये पर्टिकुलर वर्ड आ जाए तो इसको ध्यान रखना कि ओएमएस टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन, और ये ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करने में काफी फायदेमंद रहती है, आपको फ्यूचर में इससे हेल्प मिलेगी। नाउ दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था ये। सीरो सर क्या है, सर्वे, सीरो सर्वे इज यूज्ड टू डिटरमाइन द प्रिवलेंस ऑफ डैश इन द कम्युनिटी। भाई जो ये सीरो सैरोगेसी है, एक सैरोगेसी वर्ड आया था, ठीक है, तो ये बेसिकली बहुत हाइलाइटेड रहा था। ये पूछा गया है कि ये किस केस में आपका यूज किया जाता है, तो याद रखना एंटीबॉडीज को, हमारे शरीर के अंदर जो एंटीबॉडीज है इनको डिटेक्ट करने के लिए आपका ये सीरो सर्वे नाम का जो प्रोसेस है ये चलाया जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला देखिए, गुलियन बैरे सिंड्रोम। गुलियन बैरे सिंड्रोम इज रिपोर्टेड टू बी एसोसिएटेड विद विच वैक्सीन। भाई कौन सी दवाई के साथ आपका गुलियन बैरे सिंड्रोम दिखने को मिल रहा है, ये एक लोगों के अंदर साइड इफेक्ट आ रहा है। तो एस्ट्राजेनिका नाम की जो आपकी कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाई थी, एस्ट्राजेनिका, जिस जिसने ये वैक्सीन लगवाई है उनके अंदर ये गुलियन बैरे सिंड्रोम दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब है कि उन लोगों को थोड़ी सी घबराहट महसूस हो रही है जब से उन्होंने ये वैक्सीनेशन लगवाई है। तो ये एक थोड़ा सा चिंताजनक बात आपकी फाइंड आउट हुई है कोरोना वायरस से रिलेटेड, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड द हीट टॉलरेंट कोविड वैक्सीन। एक ऐसी दवाई जो गर्मी में भी आपकी खराब नहीं होगी, ऐसी कोविड वैक्सीन किस इंस्टीट्यूट ने बनाई है? तो IISc बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को, ये बेंगलुरु ने ये दवाई बनाई है। कुछ रैंकिंग्स में, यानी देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बेंगलुरु भारत के अंदर सबसे फर्स्ट रहा है, ये इंस्टीट्यूट IISc बेंगलुरु फर्स्ट रहा है आपका टेक्नोलॉजी के केस में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के केस में। अगर हम मेडिकल साइंस की बात करें तो मेडिकल साइंस में आपका जो ये एम्स दिल्ली है, एम्स दिल्ली ये फर्स्ट रैंक पे रहा है भारत के अंदर। अगर आप बात करोगे इंजीनियरिंग में तो इंजीनियरिंग के अंदर आपका IIT, जल्दी से मुझे बताओ कौन सा IIT फर्स्ट नंबर पे रहा है इंजीनियरिंग के अंदर? क्या वो IIT कानपुर है, क्या वो IIT रुड़की है, क्या IIT कोई और है? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ये बहुत क्वेश्चन मैंने कराया है। इसके बाद इंजीनियरिंग को हटा दें, आपने कर लिया मेडिकल साइंस, आपने कर दिया इसके बारे में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के केस में आपका IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के केस में, मैनेजमेंट के केस में आपका IIM टॉप पे रहा है। लेकिन जल्दी से ये मुझे बताएं कि IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ का मैनेजमेंट के केस में आपका इंडियन इंस्टीट्यूट सबसे ऊपर रहा है? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई चाहिए, बताइए। एक मैंने आपसे पूछा है इंजीनियरिंग का और एक मैनेजमेंट का, ये दो रैंकिंग्स आपको और पता होनी चाहिए। तकरीबन 20 20 नहीं, तकरीबन 1.5 महीने पहले ये आपकी रैंकिंग्स आई थी, इसके अकॉर्डिंग आप मुझे बताएं। प्लस मैंने कल बताया था आपको क्लीनेस्ट सिटी के केस में इंदौर को फर्स्ट रैंक मिली थी, और भी आपको चीजें बताई गई थी, तो जल्दी से मुझे इनका रिप्लाई दें। तब तक हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं आगे। इन विच सिटी द सेंटर फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज बीन इनॉग्रेटेड। भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को फोकस करते हुए भारत सरकार बहुत काम कर रही है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए एक सेंटर खोला गया है। तो आपसे ये पूछा गया है कि ये सेंटर कौन सी जगह पे खोला गया, तो हैदराबाद के अंदर आपका तेलंगाना में ये सेंटर खोला गया है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित और इनोवेशन से संबंधित, ठीक है। अगला देखिए कॉर्बेवैक्स, ये कोरोना वायरस से रिलेटेड एक और चीज आ गई। कॉर्बेवैक्स इज अ वैक्सीन कैंडिडेट ऑफ विच फार्मा कंपनी। कॉर्बेवैक्स नाम की जो दवाई है, कोरोना वायरस की वैक्सीन है, ये किसने बनाई? तो बायोलॉजिकल ई नाम की एक कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी, जिसने इस वैक्सीन को बनाया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जल्दी से मुझे रिप्लाई नहीं आया अभी चैट बॉक्स में, मुझे बताएं कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज आपका टॉप नंबर पर रहा, क्या वो IIT रुड़की है, जल्दी से मुझे बताओ, ठीक है। अगला देखते हैं, विच एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन प्रपोज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉमन चार्जिंग पोर्ट। भाई दुनिया का पहला कॉमन चार्जिंग पोर्ट फॉर मोबाइल फोन्स, यानी आपके मोबाइल के लिए आपके हर जगह पर चार्जिंग पोर्ट्स अवेलेबल किए जाएंगे, ऐसा दुनिया का पहला कौन सा ग्रुप बना है? तो यूरोपियन यूनियन, जिसको EU कहा जाता है, जो रशिया और यूक्रेन के युद्ध में भी इन्वॉल्व है नाटो के साथ, इस ग्रुप ने ये कहा है कि हम कॉमन चार्जिंग पॉइंट्स प्रोवाइड करेंगे दुनिया में, ठीक है, ये इन्होंने कहा।
एक बच्चे का रिप्लाई आया, किरण चहल का, सर आई आई एम अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद को फर्स्ट रैंक मिली है, ये बात बिल्कुल ठीक है, आपको ध्यान रखना है इस चीज का। नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। लैंडसैट 9 व्हिच हैज बीन सीन इन न्यूज रिसेंटली हैज बीन लॉन्च्ड बाय द व्हिच स्पेस एजेंसी। भाई लैंडसैट 9 नाम का एक आपका सैटेलाइट भेजा गया है नासा द्वारा, ये आपको पता होना चाहिए, ये रिसेंटली न्यूज में रहा है। अगला देखिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है। शेंजोउ 13 स्पेसशिप, यानी एक स्पेसशिप भेजी गई है शेंजोउ 13 के नाम से, ये किस देश ने लॉन्च की है? तो इस तरह के नाम या तो चाइनीज होंगे या जापानीज, तो ये चाइना ने आपकी स्पेस शटल लॉन्च की है, स्पेसशिप लॉन्च की है शेंजोउ 13 के नाम से। अगला देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द नासाज रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट। एक स्पेस क्राफ्ट भेजा है नासा ने जो बिल्कुल रोबोट के ऊपर काम करता है, उसमें कोई इंसान नहीं बैठा, लॉन्च टू रीच जुपिटर, ये जुपिटर जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, जुपिटर जाएगा और वहां जाके इसका नाम क्या रखा गया, ट्रोजन। तो जुपिटर में ट्रोजन नाम का एक छोटा सा पार्ट है, वहां जाके रिसर्च करेगा, ऐसा रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट उसका नाम क्या रखा गया नासा द्वारा, तो उसको इन्होंने बोला है नासा ने लूसी, नासा ने क्या कहा है, लूसी कहा है इस स्पेस क्राफ्ट को, ये आपको याद रखना है। और आईआईटी मद्रास जो है ये आपका फर्स्ट नंबर पे रहा, किरण ने बिल्कुल ठीक कहा, आईआईटी मद्रास इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आपका फर्स्ट नंबर पर रहा, ये रिप्लाई भी आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ लेट अस डिस्कस फ्यू मोर क्वेश्चंस, और सिर्फ 8 से 10 क्वेश्चंस आपके रह गए, इनको देखते हैं। विच सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इज सेट टू रीनेम इटसेल्फ एज मेटा, मतलब कौन सी ऐसी सोशल नेटवर्किंग साइट है जो अपना नाम मेटा रखने वाली है? तो ये ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है फेसबुक की साइट से कि फेसबुक अपने आप को अब मेटा कहेगी, ये इनका रिप्लाई आया है, ठीक है, तो ये एक यूनिक और अच्छा क्वेश्चन है, देखना इसको। अगला देखिए, डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट, यानी डार्ट नाम का जो टेस्ट मिशन है इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री, ये किस देश ने डार्ट नाम का एक मिशन लॉन्च किया है? तो ये यूएसए ने, अमेरिका ने इसको लॉन्च किया है, ये याद रखना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यही अमेरिका नाटो का भी मेंबर है, यही अमेरिका G7 का भी मेंबर है, यही अमेरिका G20 का भी मेंबर है, यही अमेरिका क्वाड देशों का भी मेंबर है, बहुत से ग्रुप्स का मेंबर है आपका अमेरिका, ये आपको याद रखना है, कई बार अगर क्वेश्चन आ जाए तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है आपको। अगला देखिए, अब आ जाते हैं वर्ल्ड से घूमते घूमते इंडिया पे। इंडियाज फर्स्ट लेजर इन्फ्रकोमेटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, यानी लीगो, LIGO, लीगो नाम का एक प्रोजेक्ट इंडिया ने लॉन्च किया है, ये किस राज्य ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया? तो महाराष्ट्र सरकार ने इसको लॉन्च किया है, और बेसिकली ये आपके समुद्र में ग्रेविटेशनल फोर्स को कंट्रोल करने का एक प्रोजेक्ट है, इसमें इसको कंट्रोल करने की बात की जा रही है, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 26th नंबर क्वेश्चन, ये देखते हैं। विच कंट्री हैज कंडक्टेड अ न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंट टुवर्ड क्रिएशन ऑफ एन आर्टिफिशियल सन, एक भाई आर्टिफिशियल सन बनाने का प्लान किस देश ने किया है? तो चाइना ने, और ये माना जा रहा है कि जो ये आर्टिफिशियल सन है, ठीक है, इसका टेम्परेचर जो है वो सूरज से एटलीस्ट 10 टाइम्स ज्यादा कंट्रोल कर लिया गया है एक बार, ठीक है, कुछ सेकंड्स के लिए आपका सूरज से, सन से 10 टाइम्स ज्यादा टेम्परेचर कंट्रोल किया है चाइना ने, ये आपको याद रखना है, एक आर्टिफिशियल सन चाइना बनाने का प्लान कर रही है। अगला देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू मैग्नीशियम आइसोटॉप। आप सभी को, साइंस के स्टूडेंट को पता है कि आइसोटॉप्स क्या टर्म होती है, तो मैग्नीशियम का एक नया आइसोटॉप बनाया गया है और इसका नाम है मैग्नीशियम 18, मैग्नीशियम 18 नाम का नया आइसोटॉप प्रिपेयर किया गया है, आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए हो जाता है। नाउ लेट अस डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फैमिली ट्री, दुनिया का सबसे प्राचीन पारिवारिक पेड़, यानी आपकी कौन सा ट्री है जिसकी फैमिली मिली है, दैट हैज बीन कंडक्टेड यूजिंग रिमेन्स ऑफ 5700 ईयर ओल्ड टॉम, यानी एक मकबरा मिला है जो 5700 साल पुराना, 5500 साल पुराना है, उसका अंदर आपको ये सैंपल मिला है, इसमें कौन से देश ने इसकी स्टडी की है? तो यूनाइटेड किंगडम आपके इस देश ने इसकी स्टडी की है, ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक मिशन, साइक मिशन विच वॉज सीन इन द न्यूज इज बींग डेवलप्ड बाय विच कंट्री। देखो साइक मिशन जो है ये यूएसए कंट्री डेवलप कर रही है,
और इसमें बेसिकली साइकोलॉजी से रिलेटेड आपके डिटेल्स या उन मेडिकल साइंस के बारे में रिसर्च की जाएगी जो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकती है। अगला देखिए, लास्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा, आई थिंक लास्ट नहीं सेकंड लास्ट है शायद। देखिए, मोलनुपिरावीर विच हैज बीन रिसेंटली अप्रूव्ड बाय इंडिया फॉर टैकलिंग कोविड इज अ, भाई ये मोलनुपिरावीर जो है ये एक्चुअल में क्या है ये पूछा है। तो ये आपकी एक पिल है, एक दवाई है, ये आपको याद रखना है कोविड डिटेक्ट करने के लिए इसको यूज किया जा रहा है। अब देखो, एक ये बहुत बड़ा सा नंबर दिख रहा है 7482 1994 PCI, पूछा गया है ये क्या चीज है। तो एक एस्ट्रॉइड है जिसका नाम ये रखा गया है, बस इतना याद रखना। किसने रखा है? तो नासा ने इसका नाम ये रखा है, इतना और याद रखना। एक एस्ट्रॉइड है जो अंतरिक्ष में घूम रहा है, ठीक है। ओमो वन इज द नेम ऑफ द फॉसिल ऑफ ओल्डेस्ट होमोसेपियन। देखो, ओल्डेस्ट होमोसेपियन का एक फॉसिल मिला है जिसका नाम ओमो वन रखा गया है। पूछा गया है ये कहाँ मिला, तो अफ्रीका के अंदर दुनिया का सबसे पुराना होमोसेपियन का फॉसिल मिला है जिसका नाम ओमो वन रखा गया है। ये चीज आपको याद रखनी है। एंड दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, इसको देख लीजिए एक बार। हेलोड्यूल यूनिवर्सिस अ स्पीसीज ऑफ सी ग्रास, एक यानी समुद्री घास जो होती है उसकी एक स्पीसीज पाई गई है। इज फाउंड टू हैव स्ट्रॉन्ग एक्टिव एक्टिविटी अगेंस्ट विच डिजीज। ये कहा जा रहा है कि भाई ये समुद्री घास कौन सी बीमारी को खत्म करने के लिए बहुत इस्तेमाल की जाएगी या बहुत फायदेमंद है। तो कैंसर की बीमारी के लिए ये आपका डिजीज बहुत फायदेमंद है। ये आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे दिख रहे थे मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ। इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, इसमें थोड़ा सा इसरो के आपके मिशंस भी अभी ऐड करने बाकी हैं, डीआरडीओ के भी ऐड करने बाकी हैं, बट एक चीज आपको ध्यान रखनी है, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये 1956 में इसको बनाया गया था, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है जल्दी से मुझे बताएं। तो इसका हेडक्वार्टर जो आपको पड़ेगा, सॉरी 56 कह दिया मैंने, 1958 में इसे बनाया गया था। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली के अंदर है, न्यू दिल्ली के अंदर। इसकी टेस्टिंग जो लैब है या टापू है, आपका आइलैंड है, उसको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड बोलते हैं, जहां पर ये अपने मिसाइल्स को टेस्ट करता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड जो है, इसी को आप अलग नाम से भी जानते थे, इसको बहुत पहले व्हीलर आइलैंड के नाम से जाना जाता था, व्हीलर आइलैंड के नाम से इसको जाना जाता था। और जो डीआरडीओ है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं आपके जी सतीश रेड्डी जी आपके इसके चेयरमैन हैं। प्लस ये याद रखना, इसको कंट्रोल करेगी डिफेंस मिनिस्ट्री, और जो इसरो था उसको करेगा मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस कंट्रोल करेगा इसरो को, जो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल करते हैं, और डिफेंस मिनिस्ट्री जो डॉक्टर आपके राजनाथ सिंह जी हैं, ये डीआरडीओ को कंट्रोल करता है। तो ये आज का एक छोटा सा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपका सेशन था जो आपके एग्जाम्स में काफी यूजफुल रहेगा। कल इसी में कुछ और एक इम्पॉर्टेंट सेशन को हम ऐड करेंगे, ऐसे ही हाफ आवर का सेशन होगा छोटा सा, आपके पेपर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें कवर किए जाएंगे। आई होप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा, सबको फायदेमंद लगा होगा। क्लास आप कभी भी सुने, नोट्स बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जब क्लास सुन लो पेपर में बैठ जाओ बहुत है ये, ठीक है। और इनमें से काफी क्वेश्चंस आपके आने के चांसेस हैं, हो सकता है इन दो क्लासेस में से जो आज और कल ली है कुछ ना कुछ आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो थोड़ा सा सीरियसली इसको पढ़ना, और कल फिर मिलेंगे थोड़े से अलग यूनिक 30 से 40 क्वेश्चंस की सीरीज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और कोई डाउट हो तो आप मुझे चैट बॉक्स में भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।